ऐसा कोई हेयर मास्क जो हर किसी की हेयर टाइप एंड स्किन टाइप पर सूट करे, जो 100% नेचुरल हो, बिना कोई साइड इफेक्ट की एंड आपको रिजल्ट भी 100% मिले। चाहिए ना आपको ऐसा हेयर मास्क? तो वीडियो की एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज जो हेयर मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ ये ना हर किसी की हेयर टाइप पर सूट करेगी, आपको रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगी। मैंने आज ही यूज किया है, जस्ट सी द शाइन ऑफ माई हेयर गाइज, ये आपके हेयर को काफी हद तक स्ट्रेटन भी करेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये जो हेयर मास्क है ना, आपको बस दो इंग्रेडिएंट की जरूरत है एंड ये जो इंग्रेडिएंट है 100% नेचुरल है। आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको घर में ही मिल जाएंगे दोनों इंग्रेडिएंट राइट फ्रॉम योर किचन। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज बनाना। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बनाना हेयर मास्क मैंने जितनी भी आपसे शेयर किया, मुझे हर एक वीडियो में पॉजिटिव कमेंट तो ज्यादा मिलती है, बट एक दो ऐसा कमेंट भी आती है कि बनाना की जो लम्स है ये हेयर पे फंस जाती है। दैट्स ट्रू, बिकॉज आपने अच्छी से उसे मैश नहीं किया है। फर्स्ट यही क्राइटेरिया है कि आपको बनाना की जो पेस्ट बनाना है एकदम स्मूथ बनाना है, उसमें कोई भी थोड़ी सी भी लम्स ना रहे, क्योंकि वही लम्स आपके हेयर पर चिपक जाएगी। तो आपको चाहिए दो बनाना, एकदम फुल्ली राइप जो बनाना आपको लेना है। अगर आपकी हेयर लेंथ मुझसे भी छोटी है, लाइक इस तरह की है या फिर इस तरह की, तो एक बनाना की जरूरत है आपको। इसे अच्छी से आप टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, जस्ट लाइक दैट। सेकेंड इंग्रेडिएंट आपको जरूरत है, दैट इज दही, कर्ड। घर में होम मेड अगर होना तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगी। होम मेड अगर नहीं मिलती है, मतलब हर किसी के घर में तो दही प्रिपेयर नहीं होता है, तो आप मार्केट से मंगवा लीजिए, कोई भी कर्ड आप ले लीजिए, मेक श्योर कि थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। इसके साथ आपको मिलाना है कर्ड, आप 4 टीस्पून ले सकते हैं, अगेन अगर आपकी हेयर लेंथ मेरी तरह है। इन दोनों को आपको अच्छी से मिक्स करना है, मिक्स मीन्स आपको ब्लेंडर में अच्छी से स्मूथ, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। थोड़ी सी भी आपको यहाँ पर लम्स नहीं दिखाई देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बना लिया, आप देख सकते हो, बस यही दो इंग्रेडिएंट है और कुछ नहीं चाहिए आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी हेयर साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप चाहो तो सेम डे पर शैम्पू करके हेयर को टॉवल ड्राई करके ले सकते हो, बट मैंने क्या किया है, प्रीवियस डे पर ही हेयर को वॉश कर लिया था। अभी मेरी हेयर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, ड्राई भी है। एप्लीकेशन बहुत ही आपको अच्छी से करना है, पूरा रूट से लेकर टिप तक हर एक स्ट्रैंड पर आपको अप्लाई करना है। आप छोटे छोटे सेक्शन ले सकते हो, पूरी हेयर पर अच्छी से ऑयलिंग की तरह अप्लाई कर लो, आपको मसाजिंग की जरूरत नहीं। बस मेक श्योर हर एक स्ट्रैंड पर ये मास्क पहुंचनी चाहिए। आप लास्ट में हेयर को ट्विस्ट भी कर सकते हो ताकि ये अच्छी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर एक स्ट्रैंड पर। इसके बाद आपको हेयर पर छोटा सा एक बन या फिर टाई कर लीजिए, उसके बाद आप चाहो प्लास्टिक से रैप कर सकते हो या फिर शावर कैप भी रैप कर लो। रैपिंग करने का यही रीजन है, एक तो ये जो मास्क है ये सूखेगा नहीं, अकड़ेगा नहीं, अगर लम्स थोड़ा बहुत रह जाती है चिपकेगा भी नहीं, ऑल्सो ड्रिपिंग भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी पेस्ट थोड़ी सी भी पतला हो जाती है तो ड्रिप करती है, आपके कपड़े आपके घर को गंदा कर देती है। उसके बाद आपको इसे 30 मिनट्स तक आपके हेयर पर छोड़ देना है। 30 मिनट्स के बाद आप हेयर को नॉर्मल वॉश कर सकते हो गुनगुना पानी से, या फिर अगर आप चाहो कि बनाना की स्मेल थोड़ा चला जाए ना रहे, तो आप हल्का सा कोई भी शैम्पू कर सकते हो जो आपकी रेगुलर शैम्पू है। शैम्पू करने के बाद मैं आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखा रही हूँ गाइस, सेम डे इवनिंग पर ये रिजल्ट है। मैं डे लाइट में शूट नहीं कर पाई बिकॉज शाम हो गई थी हेयर सूखते सूखते, तो ये मेरी हेयर का हाल है। अभी आप देख सकते हो गाइज हेयर कितनी शाइनी हो गई है। गाइज बिलीव मी, ये मास्क बहुत ही बढ़िया है, आपकी हेयर की अगर फॉल होती है तो उसे भी ये स्टॉप कर देगी। आपकी हेयर बहुत ज्यादा फ्रिजी है, अनमैनेजेबल है, बहुत ज्यादा उलझने हैं, उसे ये सॉल्व कर देगी, बहुत ज्यादा स्मूथ बना देगी, शाइनी बना देगी एंड काफी हद तक आपकी हेयर को स्ट्रेटन भी कर देगी। सो गाइस जरूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग मास्क है, बहुत ही इजी टू यूज है, बस आधा घंटे की जरूरत है एंड दो इंग्रेडिएंट की जरूरत है, वो भी आपके घर से ही आपको मिल जाएंगे। एंड ये मास्क आप हफ्ते में एक बार, महीने में दो बार, तीन बार, जब आपको टाइम मिले ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगी। That's all for me today's video, guys. I hope video आपने enjoy किया। मैं आपसे मिलूंगी next video में। Till then, take care. Bye bye. And हाँ, अगर आप ये mask try करते हो घर में तो अपना experience comment section में आके जरूर बताना, ताकि दूसरों का भी help हो आपकी comment पढ़ के। Thank you so much for watching. Bye.